हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं। तो मैंने 2 कप बेसन और 1 कप घी लिया है और देखिए अच्छे से बेसन एकदम सिक गया है घी में। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसमें शक्कर भी हम कम ही ले रहे हैं, तो मैं 1 कप शक्कर लूँगी और थोड़ी सी इलायची का पाउडर। और ये तो बाइंडिंग तो अच्छे से हो ही जाएंगे, मुझे नहीं लगता इसमें दूध की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके बाइंडिंग ना होते तो 1-2 चम्मच दूध मिलाइए तो बाइंड हो जाएंगे। हम इसमें पिसी हुई, मेरे पास ब्राउन शुगर है, वो मिला रहे। मैंने 1 कप पिसी हुई ब्राउन शुगर ली है और मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाला क्योंकि घी एकदम ऊपर आ गया था और लड्डू एकदम फैलते जा रहे थे, इसलिए 2 चम्मच दूध डाला है। देखिए अभी अच्छा बन गया है। अभी इसमें हमने शक्कर मिला दी है, ऑलमोस्ट 3/4 शक्कर डाल दी है और इसकी अभी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ गई। और इसमें हमने इलायची पाउडर ऑलरेडी मैंने डाला है, पर मैं अभी इसमें मिक्स करते समय थोड़ा सा इलायची पाउडर डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू खराब रहे। और हाथ से मिला रहे हैं इसलिए इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अब हम इसके लड्डू बना रहे हैं। कुछ लड्डू मैंने बना लिए हैं, ये मैं बना रही हूँ हाथ में, इतने बढ़िया बन रहे हैं। अब इसकी बाइंडिंग अपने आप थोड़ी सी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे बस प्रेस करने से ही बाइंड होते जा रहे हैं। कुछ भी लगा सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, मेरे पास काजू है तो मैंने काजू लगाया। तो ये हमारे लड्डू और खाने में भी बहुत टेस्टी है, टेस्ट करके देखा है। तो इसी तरह से सारे लड्डू हम बना रहे हैं। ये सिंपल सी रेसिपी है लड्डू की जो मुझे आती है, जो मैंने सीखी है। शानदार, स्वादिष्ट, एकदम डिलीशियस लड्डूस एकदम रेडी है बनके। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बढ़िया गोल गोल बने हैं।